जिस पल के अध्यक्ष ने भी अपने दर्शकों को बताया कि इस बार सूर्य भगवान जरा नाराज हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए भक्तों को। आज देखिए सूर्य आज तो सबसे पहले जब महिलाएं स्नान करके घर आती है पूरा दिन जो है मंगल ध्वनि और भगवान सूर्य और माता शक्ति की पूजा में सोहर में और लोकगीतों में दिखता है, भजन संध्याएं होती है, तो जितना भी हमसे संभव हो सकता है हमें सूर्य की और माता शक्ति की आराधना करनी चाहिए। माता शक्ति की आराधना से बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं, मनोवांछित फल मिलते हैं। भगवान कार्तिकेय की पत्नी है तो सारे अभिष्ट सिद्ध करने वाली है, तो आप जितना भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए, जो भी आपके शुद्ध मन से संभव हो सकता है आप उसको करके अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल, पंडित जी कहा जाता है कि माता सीता और राम जी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए छठ का ये व्रत रखा था, तो क्या माना जाए पुत्र प्राप्ति के लिए बेहद शुभ है छठ का व्रत? जी, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। भगवान सूर्य जो है, भगवान भास्कर जो है, हमारी कुंडली में ज्योतिष के अनुसार वंश वृद्धि का सूचक है। भारतीय मान्यता के अनुसार सनातन धर्म पद्धति में और जीवन का सबसे बड़ा कारक है, अगर सूर्य न हो तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है, और यह पर्व बहुत आवश्यक हो जाता है। हमारी कृतज्ञता को सिद्ध करता है कि हम कृतज्ञ हैं आपके प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति, भगवान सूर्य के प्रति, कि आपने हमें इतना कुछ दिया है, आपके माध्यम से हमारी फसलें हैं, हमारी संतानें हैं, तो हम अपनी कृतज्ञता भी इस पर्व के माध्यम से सिद्ध करते हैं, उनका उनको नमन करते हैं। और सिर्फ माता पार्वती सीता और राम ने ही नहीं, बल्कि माता कुंती ने भी अपने पांचों पुत्रों के साथ जिस समय वो वनवास में थी तो उन्होंने इस व्रत को किया था, इसका अनुष्ठान किया था, जिसके बाद उनको राजपाट की प्राप्ति हो सकी थी। तो अनादिकाल से चलता हुआ ये व्रत है और इसका महात्म्य बहुत है। आज जिन जिन महिलाओं ने इस व्रत को किया है, जिन लोगों ने भी इसके ऊपर पूरी श्रद्धा रखी है, किसी भी परिस्थिति में उनको इसका फल मिलना ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं। जी बिल्कुल पंडित जी ने कहा तो ये भी जाता है कि छठ के दिन जो है भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, लेकिन साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जो व्रती है वो ढलते सूरज को अर्घ दे रहे हैं, उसमें किस तरह से साफ ध्यान रखना चाहिए आज के बाद? देखिए आज तो सबसे पहले स्नान के बाद निराजल व्रत पूरा दिन होता है, बड़ी प्रक्रिया है, और पूरा दिन भगवान का भगवत भजन में भक्ति भाव में बीतता है। शुद्ध मन से घर में नाना प्रकार के भोग बनाए जाते हैं और वो नई फसल के अनाज से बनाए जाते हैं, वो एक कृतज्ञता का भाव है और भगवान के प्रति समर्पण का भाव है। और पूरा दिन भजन संध्या में भगवत आराधना में माँ षष्ठी की आराधना में बीतता है, और अगले दिन की तैयारी में आज की संध्याकालीन पूजा की तैयारी में ईंट से मंडप बनते हैं, नए रंगीन वस्त्रों से रंगों से घर को सजाया जाता है, रंगा जाता है, मंडप बनाया जाता है जहाँ पे भगवती की पूजा होनी है, और सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं घर आती हैं और उस स्थान से रात्रि जागरण करती हैं ताकि अगले दिन हो जाए तो गांधी सूर्य को अर्घ दिया जा सके। पंडित आपसे बहुत सारी जानकारी लेनी है आज के पर्व के बारे में, लेकिन यहाँ पर हमें लेना होगा एक छोटा खबरा, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपके लिए हमारे व्यवस्थित का यूट्यूब।